इनेलो के संगठन को मजबूत करने के लिए रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला हरियाणा के सभी जिलों में कार्यकर्ता मिलन समारोह करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में ओपी चौटाला जगाधरी अनाज मंडी में कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। यमुनानगर कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने मंच से प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हर वर्ग दुखी है, सरकार में बैठे लोगों को सरकार चलाने का ज्ञान नहीं है, सरकार कर्ज में है, हर पैदा होने वाले बच्चे पर कर्ज है, आज कर्ज लेकर कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है, उन्हें 3200 नौकरी देने की सजा मिली। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम योग्यता के आधार पर हर युवा को नौकरी देंगे, चाहे उसके लिए फांसी क्यों ना हो जाए। 2005 में जब आपकी सरकार गई थी, हमने 2000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में नकद छोड़ करके बाहर आए थे और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 2.5 लाख करोड़ जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर बिना लिया हुआ 1 लाख का कर्जा लेकर के पैदा है। ओपी चौटाला ने कहा, मेरे जेल जाने के बाद कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया कि ये जेल में मर जाएगा, लेकिन मैं सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने मेरे पीछे संगठन को संभाला और मजबूत किया। ये बीजेपी की सरकार है और इसका पतन होना जरूरी है। इलाहाबाद उपचुनाव से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बीजेपी इसको टाल रही है। ओपी चौटाला ने कहा, इस चुनाव में इनेलो का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा और बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी और अब के सरकार बनने के बाद मैं हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म का क्यों, चाहे हिंदू का बच्चा है, चाहे मुसलमान का है, चाहे सिख का है, चाहे ईसाई का है, चाहे हरिजन और बैकवर्ड का है, चाहे व्यापारी और कर्मचारी का है, चाहे मजदूर और कारखानेदार का है, चाहे किसान और कमेरी का है, हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दें। समारोह में पहुंचे ओपी चौटाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और खूब खरी खरी सुनाई। इस बीच उन्होंने कांग्रेस को दुष्प्रचारी बताया। अब देखना होगा कि ओपी चौटाला का ये जोश कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह लेकर आता है और इससे इनेलो को कितना राजनीतिक फायदा मिलता है। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।